मैट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेटिव है किसका, मैटर का। और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, तो हमने कहा कि जो मैटर होता है, जब मैटर मूव करता है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और जो वेव उसके साथ एसोसिएट होती है उस वेव को हमने नाम क्या दिया था, डी ब्रॉगली वेव। और अगर वेव होती है तो उस वेव लेंथ को हम नाम क्या देते हैं, डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ, या हमने उसको नाम दिया था दिस इज द मैटर वेव। तो अब हमने देखा कि जब एक पार्टिकल चलता है, जब वो मूव करता है, तो उसके साथ क्या होती है, एक मैटर वेव एसोसिएट होती है, या इसके साथ एसोसिएट होती है डी ब्रॉगली वेव। बाद में हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि जो डी ब्रॉगली वेव है या डी ब्रॉगली वेव लेंथ है वो डिपेंड करती है अपॉन द मास एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा होगा तो वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। और हमने कहा था कि अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी वेव लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेव लेंथ का मतलब है कि पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। अब हमको देखना है कि जो ये मैटर का रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके साथ भी एक वेव एसोसिएट है। अगर इसके साथ वेव एसोसिएट होगी तो इसका मतलब है कि इसके पास भी कौन सा करेक्टर है, ड्यूअल करेक्टर है, या ये बोथ, जब ये मूव करता है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, तो वेव करेक्टर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब जो ये वेव या ड्यूअलिटी का जो करेक्टर है ना, बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूज नहीं होना कि क्या ये पार्टिकल या कोई भी चीज या रेडिएशन जो है, क्या वो एट ए टाइम दोनों इफेक्ट्स दिखाती है या दोनों करेक्टर्स दिखाती है, तो आंसर है नहीं। यानी जब कोई भी फिनोमिना रेडिएशन या मैटर दिखाएगा बाय इट इज वेव करेक्टर, तो समझ लेना है कि उसका पार्टिकल उस वक्त पार्टिकल करेक्टर कितना होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत कम होगा कंपेयर टू द वेव करेक्टर। और जब वो पार्टिकल करेक्टर से कोई फिनोमिना दिखाएगा, जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने देखा कि अगर लाइट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दिया है बाय इट इज पार्टिकल करेक्टर, जब हमने कंसिडर कर दिया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, तो उस वक्त हमें कंसिडर करना है कि उसके साथ जो वेव करेक्टर एसोसिएट है वो पार्टिकल करेक्टर के कंपेरिजन में क्या है, बहुत कम है। और जब हमने डी ब्रॉगली वेव लेंथ विद एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन देखी, तो हमने इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, और एक्सपेरिमेंट्स में हमको ये पता चला कि जिस तरह लाइट जो है, लाइट ने इंटरफेरेंस दिखा दी, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन गए हैं। जब हमने एक कोहरेंट सोर्स से लाइट बीम्स को लिया, दो स्लिट से पास कर दिया, तो हमने स्क्रीन पर देखा कि कंजेक्टिव डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बन गए थे। इसी तरह जब हमने इसके बाद इलेक्ट्रॉन से भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो हमने देखा कि एक जगह पे एनर्जी ज्यादा आती थी और दूसरी जगह पे एनर्जी कम आती थी। कंसेक्यूटिव हमने देखा कि कहीं पे एनर्जी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो हमने कहा कि बिल्कुल ये ऐसे ही था, ये वैसे ही था जैसे लाइट ने इंटरफेरेंस में दिखा दिया, क्योंकि इंटरफेरेंस में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का एनर्जी टेक प्लेस करता है, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि जो लाइट है, लाइट की तरह पार्टिकल का भी क्या होता है, ड्यूअलिटी का करेक्टर। अब हम डिराइव कर देंगे कि जो वेवलेंथ एसोसिएट है एक चार्ज्ड पार्टिकल के साथ, तो उनकी इस वेवलेंथ को हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका हमारे पास है जो हमें डी ब्रॉगली ने समझा दिया है, वो ऐसे है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, और वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका मतलब है ना कि उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी किसके किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, जीरो के बराबर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अब हमने यहां से इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस वाले साइड से एक प्लेट लगा दिया है, और ये वाला जो प्लेट है ना, इसको हमने एक्साइट दिया किया है, या हमने इसको वोल्टेज वी दी है। अगर हमने इस वाले प्लेट को वोल्टेज V के साथ अप्लाई कर दिया है, तो ये वाला जो प्लेट है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मैंने, या इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला जो साइड है, बता ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुकेगा या ये मूव करेगा, तो आंसर है ये मूव करेगा। अब अगर ये मूव करेगा तो इसका मतलब है ना कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, मीन इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है। अगर इसके पास यहां पे वेलोसिटी v के बराबर है, बोलो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ हाफ mv स्क्वायर के बराबर।
पहले कितनी थी? जीरो। अब जब हमने पोटेंशियल दिया है तो बोलो कितनी बन गई है? हाफ हाफ एम वी स्क्वायर। क्या उतनी रह गई है? चेंज आ गई है। तो इसका मतलब है चेंज आ गई है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज कर देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये वर्क डन जो होता है, वर्क डन की रिलेशन हमने हमको मालूम है, वी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा? वी इन क्यू के बराबर। इसी चीज को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। तो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब किस एनर्जी का है? पोटेंशियल एनर्जी का है। इसका मतलब है कि जब हमने यहां से पोटेंशियल लगा दिया है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन जब हमने यहां से पोटेंशियल लगा दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? इधर। मगर अगर मैंने इसको रोक के रखा है तो इसका मतलब है ना कि रोकने के लिए मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वो वर्क डन इसी इलेक्ट्रॉन में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वी इंटू क्यू के बराबर। इसका मतलब है कि जब मैंने यहां से पोटेंशियल लगा दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी किस, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मुझे वर्क करना है, समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रॉन जो है जब मैंने यहां से पोटेंशियल लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने की कोशिश करेगा? यहां। मगर मैंने इसको वहां जाने नहीं दिया है तो मैंने इसको रोक के रखा। अगर मैंने इसको रोक के रखा है इसका मतलब है ना मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वी इंटू क्यू के बराबर। तो इसका मतलब है ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, जब हमने इसको एक्साइट किया है, जब हमने इसको एक्साइटेशन दी है, वोल्टेज अप्लाई की है वी, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी? वी इंटू क्यू के बराबर। अब जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा, मैंने इसको अब जाने दिया है, तो इसका मतलब है ना कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये मूव करने पे इसके पास एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये यहां पे पहुंचेगा, बोलो इसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू क्यू। ये समझने की कोशिश करना। यहां पे जो एनर्जी इसके पास थी दैट वाज वी इंटू क्यू, मगर किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन ने यहां से मूव कर दिया है तो ये किस में एनर्जी के साथ मूव करेगा, या किस, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा? और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट वो किसके बराबर होगी इसके? तो दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू क्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां से एक बॉल को उठा दिया है, मैंने बॉल को यहां लिया है, तो बॉल को मैंने क्या दी है? हाइट एम, जी और एच। तो H जो है, अब यहां पे बॉल के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के बराबर। अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? जीरो के बराबर। अब मैंने बॉल को यहां से छोड़ दिया है, बता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पोटेंशियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब ये वहां पे पहुंचेगा, बोलो एच का वैल्यू किसके बराबर? जीरो के बराबर। अगर एच का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? mgh के बराबर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वही यहां पे हो रहा है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? v इनटू q के बराबर। अब जब इलेक्ट्रॉन ने यहां से मूव कर दिया है तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? जीरो। अब कितनी हो गई है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वो किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू वी इनटू क्यू। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? जीरो। और जब ये इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी उतनी रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर है? वी इंटू क्यू। तो मैं लिखूंगा ना यहां से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा बराबर अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहां मैं लिखूंगा सीधे वर्क डन के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? जीरो। लास्ट में कितनी हो गई है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज कितना हो गया है? दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर है? वी इंटू क्यू। वायर वी इज द पोटेंशियल और क्यों क्या है? चार्ज। मैंने कौन क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर है? ई के बराबर। तो मैं लिखूंगा ना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई इंटू क्यू या ई इंटू वी। वही चीज मैं बता रहा था, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी ना इक्वल टू वी इंटू क्यू, वेयर क्यू इज द चार्ज। और क्यू के बजाय मैंने क्या लिख दिया है? ई इंटू क्यू। समझ में आ रहा है? अब यहां से देखो,
हम यहां से लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, मैंने एम से मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी कर दिया है, दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू वी, वायर दिस वी इज, इसको मैं कैपिटल बना रहा हूं और आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेलोसिटी नहीं बल्कि ये क्या है, पोटेंशियल है। तो यहां से हम लिखेंगे हाफ ऑफ एम इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू वी। और आर मैं लिखूंगा यहां से पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बराबर ट्वाइस एम ई इंटू वी, और p का वैल्यू किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई इंटू वी के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके साथ एसोसिएट क्या होगी, डी ब्रॉगली वेव, तो डी ब्रॉगली वेव की वेव लेंथ किसके बराबर होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई पी, पी का वैल्यू किसके बराबर है ट्वाइस एम ई इंटू वी, वायर वी इज द पोटेंशियल। तो शुरू से ही हमने देखा कि जो पार्टिकल होता है पार्टिकल की वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन वी, वी क्या है वेलोसिटी। अगर हम देखेंगे लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होता है, लैम्डा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एच डिवाइडेड बाय एमवी, तो लैम्डा डिपेंड किस पे करता है, वी पे, वेयर वी इज द वेलोसिटी। अब अगर यहां से हम देखेंगे तो वेलोसिटी पे डिपेंड क्या कौन करता है, लैम्डा करता है, और यहां इसका वी जो है, वी क्या है पोटेंशियल, तो यहां पे लैम्डा पे, लैम्डा किस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। अब पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, तो अगर वो मोर काइनेटिक एनर्जी तो उसका क्या बढ़ेगा, एम बढ़ेगा या वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, इसका मतलब है ना पोटेंशियल के बढ़ाने से यहां पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ता क्या है वी, वायर वी इज द वेलोसिटी, और वी डिपेंड किस पे करता है, लैम्डा पे करता है। तो अगर यहां पे वी डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस वाले वी पे, कैपिटल वी पे, कैपिटल वी क्या है पोटेंशियल है, तो इस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ाना है। तो पोटेंशियल जब मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है ना कि अगर यहां पे हम देखेंगे लैम्डा डिपेंड करता था वी पे, वायर वी वाज वेलोसिटी, मगर यहां की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए मैं, मुझे चेंज क्या करना है, वी को, कैपिटल वी को माइनस पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, या पोटेंशियल को मुझे चेंज करना है, टू चेंज द वेवलेंथ आई हैव टू चेंज द पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल के चेंज होने से ही वी मीनस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहां से देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इनटू वी, एच क्या है, दिस इज कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो लैम्डा डिपेंड किस पे करता है, वी पे, वेयर वी इज पोटेंशियल। अगर हम यहां पे देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, वी पे, मगर वो वाली वी, वो वाला वी क्या है, दैट इज वेलोसिटी, ये वाला वी क्या है, दिस इज पोटेंशियल। अब यहां गए वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मुझे इंक्रीज किसको करना है, मुझे चेंज किसको करना है, पोटेंशियल को करना है, इसका मतलब है ना वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। अगर वेलोसिटी डिपेंड करती है पोटेंशियल पे, समझ में आ रहा है, वेवलेंथ डिपेंड किस पे करती थी, वेलोसिटी पे, इसका मतलब है ना वेवलेंथ यहां पे डिपेंड करेगी किस पे, पोटेंशियल पे। समझ में आ रहा है? दोनों चीजों को आप रिलेट कर दो। अब अगर हम यहां से इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा, बोलो एच का, ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, एच का नहीं, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा एच, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम, एम क्या है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 केजी, इंटू ई, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा वी, वायर वी इज द पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जब हमने देखा तो दैट इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, मगर ये वाली जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज इन नैनोमीटर, अगर हम नैनोमीटर से इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो 10 रेज पावर माइनस 9 को कन्वर्ट करना है 10 रेज पावर माइनस 10 में, तो इसका मतलब है 0.1 शिफ्ट हो जाएगा, डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी इंटू, अब ये क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तो दिस इज द वेव लेंथ इन एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज द वेव लेंथ इन नैनोमीटर्स। समझ में आ रहा है? तो ये वाली जो वेव लेंथ है ना, दिस इज एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट वेव लेंथ है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, दिस इज द डी ब्रॉगली वेव लेंथ और दिस इज द मैटर वेव। समझ में आ रहा है? आप इसको कॉपी कीजिए, तो यहां से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, वो रिलेशन आप देखेंगे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। हो गया?
तो इसके बाद आप लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बोलो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये मैं लिखूंगा ये किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के ई के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इसको लाएंगे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो इसका मतलब है मैंने एम से मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी किया। बोलो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ हाफ एम इनटू वी, क्या होता है? मोमेंटम। तो दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो पी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम इनटू काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलो पी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं डिनोट कर दूंगा किसे, किसे, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अभी हमने देखा कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है? एच डिवाइडेड बाई, शाबाश, एच डिवाइडेड बाई मोमेंटम पी, एच डिवाइडेड बाई पी। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा ना एच डिवाइडेड बाई पी, पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा ना एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू, बोलो काइनेटिक एनर्जी वहां पे किसके बराबर थे? दैट वाज इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन उस साइड में पहुंचा तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई थी? काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, पहले कितनी पोटेंशियल थी? दैट वाज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ई इंटू वी। तो दैट वाज इक्वल टू ई इंटू वी। तो हम यहां से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे भी वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो अभी हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर दी है वो यहां से भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वाले जो है ना, ये हम कभी यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमको यूज होते हैं, या आप यहां से भी डिराइव कर सकते हैं कि वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन के साथ वेवलेंथ एसोसिएट है, क्या प्रोटॉन के साथ भी होगी? आंसर है हाँ होगी। तो अभी हमने वैल्यू इसका देखा है, तो लैम्डा का वैल्यू हमने देखा है दैट वाज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और ये वाली जो वेवलेंथ है ये किसमें थी? एंगस्ट्रॉम में। अब वेवलेंथ डिपेंड किस पे करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मास, दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। अगर हम प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन के पास भी क्या होता है? मास होता है। प्रोटॉन के पास भी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। समझ में आ रहा है? तो आप देखो इसके बाद वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन। अभी हमने देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई इंटू क्या आ जाएगा? वी, वी इज द पोटेंशियल, ई इज, दिस इज द चार्ज जो हमको लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड एम दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे। तो वेवलेंथ था प्रोटॉन को अगर मैं डिनोट कर दूंगा लैम्डा पी से, दैट विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम। बोलो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू किसके बराबर होता है? शाबाश, 1.67 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 27, क्योंकि प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ई, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 19। समझ में आ रहा है? इंटू क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। और एच का वैल्यू भी अगर हम पुट कर देंगे दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 34। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो लैम्डा पी का वैल्यू आ जाएगा, अब कैलकुलेट डायरेक्ट वैल्यू में यहां से लिख सकता हूं, दैट इज 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी इंटू, मगर ये किस में है? एंगस्ट्रॉम में। अगर हम नैनोमीटर्स की बात करेंगे तो 10 रेज पावर माइनस 10 के बजाय हमको क्या लेना है? 10 रेज पावर माइनस 9। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी 0.0286, मगर वो वाली जो वेवलेंथ है वो किस में होगी? नैनोमीटर्स में। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर आपसे कहा गया है कि बता अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ किसके बराबर होती है, क्या अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ आपको निकालना आएगा? आंसर है हाँ, सिंपल है,
क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, समझ में आ रहा है ना। तो आप लिख लीजिए फाइंड द वेव लेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वेव लेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इसका मतलब है He2+, समझ में आ रहा है। या इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं He2+, यानी मास कितना होता है, 4 होता है। अब इसकी वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अगर हम मास देखेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू 4 × दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻²⁷ kg, समझ में आ रहा है। तो वेव लेंगे तो आप अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होगी, 6.63 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m। बोलो m का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 4 × 1.6 × 10⁻²⁷ इंटू e, चार्ज किसके बराबर होगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू क्या आ जाएगा v, वेयर दिस v इज पोटेंशियल, समझ में आ रहा है। तो सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू लेमड़ा ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू आप वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, मगर ये वेव लेंथ किस में है, एंगस्ट्रॉम में, समझ में आ रहा है। तो ये वेव लेंथ किस में है, दिस वेव लेंथ इज इन एंगस्ट्रॉम। तो अल्फा पार्टिकल या कोई भी अगर आपको चार्जेड पार्टिकल दिया जाएगा, तो चार्जेड पार्टिकल का मास अगर आपको मालूम होगा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज अगर आपको मालूम होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब अगर अनचार्जेड पार्टिकल होगा, समझ में आ रहा है, तो अनचार्जेड पार्टिकल की वेवलेंथ किसके बराबर होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूट्रॉन को लिया है, न्यूट्रॉन अनचार्जेड पार्टिकल है, तो अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, बोलो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv² वेयर v इज द वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m² × v² डिवाइडेड बाय मैं m लिखूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2m × काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू p, समझ में आ रहा है। और इसका क्या आ जाएगा यहां से, दैट विल बी इक्वल टू p = √2m × k। तो अगर हम इसकी ये देखेंगे, लैम्डा देखेंगे, तो लैम्डा विल बी h/p का वैल्यू, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/p, p का वैल्यू किसके बराबर होगा 2m × k, समझ में आ रहा है। तो वायर k इज द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv², वायर v इज द वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द अनचार्ज्ड पार्टिकल। अब k का वैल्यू हमने वहां से चेंज कर दिया था, k का वैल्यू हमने लिखा था वहां पे किसके बराबर था, दैट वाज e × v, वायर e वाज द चार्ज, मगर अब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ ऑफ द ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होता है, दैट विल बी इक्वल टू h/√2m × k, वायर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहां से वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो जो ये होता है चार्जेड पार्टिकल जो होता है, उसकी जो वेव लेंथ होती है, दैट विल बी इक्वल टू h/√2m × ve × v, वायर v इज द पोटेंशियल, समझ में आ रहा है। तो ये अनचार्ज्ड पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल की वेव लेंथ होती है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करेंगे, सिंपल सा, पहले बेसिक से चलेंगे और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन उसको ये टफ करते जाएंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of an electron accelerated through 54 volts, accelerated through 54 volts. तो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद
वो विद पोटेंशियल 54 वोल्ट्स। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? शाबाश, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 9.1 इनटू 10 रेज पावर -31 केजी। समझ में आ रहा है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बराबर 1.67 इनटू 10 रेज पावर -19 कूलम्स। तो अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लैम्डा का वैल्यू देखेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई इनटू वी, ए इनटू वी। वी का वैल्यू भी हमको दिया गया है, दैट इज 54 वोल्ट्स। एच का वैल्यू भी हम जानते हैं, दैट इज 6.63 इनटू 10 रेज पावर -34 जूल्स पर सेकंड। तो हम यहां से लैम्डा को निकाल सकते हैं, लैम्डा ई का वैल्यू आ जाएगा 6.6 इनटू 10 रेज पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम। एम का वैल्यू कितना है? 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31, बहुत ही सिंपल है। ई का वैल्यू भी हम जानते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 इंटू आ जाएगा वी। वी का वैल्यू कितना है? 54। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज पावर -10 मीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स किस में है? एसआई में है। तो लैम्डा का वैल्यू भी किस में आ जाएगा? मीटर्स में। तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा रेज पावर 1.67 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 रेज पावर -10 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम। अब वेवलेंथ तो हमने निकाल दिया, अब मोमेंटम निकालना है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम लैम्डा होता है किसके बराबर? एच अपॉन पी के बराबर। तो पी का वैल्यू आ जाएगा ना एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा। तो बोलो पी का वैल्यू आ जाएगा ना एच, दैट विल बी इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज पावर -34 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा। बोलो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हमने निकाला है? 1.67 इंटू 10 रेज पावर -10। 10 रेज पावर -10 को ऊपर ले जाओ, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर -24। 6.63 को डिवाइड कर दो 1.67 से, तो दैट विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? That will be equal to 3.97 into 10 raise power -24. तो ये इसके साथ associate क्या है? This is the momentum. समझ में आ रहा है? बहुत ही simple question है। तो आप इसको copy कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। इसके बाद आप question number second लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज द सेम वेवलेंथ, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन किस, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ, फुल स्टॉप। प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। Prove that the energy of electron is greater than the energy of proton. समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन दिया गया है कि लैम्डा ई का वैल्यू किसके बराबर है? लैम्डा पी के बराबर। तो अगर हम लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मैं पहले लिखूंगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी। पी का वैल्यू किसके बराबर होता है? एम इंटू वी, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम यहां से लिखेंगे लैम्डा पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? दैट विल बी एच अपॉन एम पी इंटू वी पी, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब दिया गया है लैम्डा ई किसके बराबर है? लैम्डा पी के बराबर। अगर ये इसके बराबर, तो इसका मतलब है ना एच बी और इसके बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम ई वी ई होगा बराबर एच अपॉन एम पी वी पी। समझ में आ रहा है? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ एम इंटू वी ई स्क्वायर, या हाफ ऑफ एम ई वी ई स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, ये किसके, ये क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? हाफ ऑफ एम ई वी ई स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम ई वी ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम। समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी इक्वल टू,
हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एम ए, हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए। इसी तरह अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम पी वी पी का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा एम पी। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम यहां से ये देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर, या ये एनर्जी किसकी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दोनों का रेशियो मैंने लिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम पी। हाफ ऑफ पी और पी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो दैट विल बी इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाय एम ए। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, छोटा है या बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिखूंगा ना एम पी इज ग्रेटर देन एम ई। तो अगर एम पी ग्रेटर देन है एम ई से, तो इसका मतलब है ना एम पी डिवाइडेड बाई एम ई इज ग्रेटर देन वन, तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वन, तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। देखो वेव लेंथ दी गई है, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम ई वी, लैम्डा पी दिया गया है एच अपॉन एम पी वी पी। अब यहां से देखो एच अपॉन एम ई वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एम पी वी पी, एच और एच को हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं एच और एच कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एम पी वी पी इज इक्वल टू एम ई वी पी। तो अगर हम यहां से देखेंगे दिस इज द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी पी किसके बराबर हो जाएगा पी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एम ई वी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू एम और एम से डिवाइड कर दिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई। अब ये किसका है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो इसका मतलब है ना ई पी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाई एम ई। अब मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ